गुजरिया जवानी गुजरी गुजर दी है भाई वह लोग कह रहे ने आम बंदे नहीं जिन्ना बंदा पलिया होए जवान होए लै लो नहार गुजरन उन्हें च अपने आप को पेश करना बड़ा औखा काम है लेकिन वह महबूब पूरी कायनात विचों वाला फरमांदे ने मक्के वाले हो मैनू सच्चा पाया झूठा जवाब आया सवाए सच्चाई तो कुछ वेखे नहीं फरमाया मैनू सच्चा मानते हो मानने सादिकुल अमीन मानने मैं कहां कि सफा पहाड़ी की बैक साइड तो एक लश्कर हमला करने वाला मान लो गे कह लगे मान लागे फरमाया बगैर वेखन तो ही अगो जवाब आया साड़िया अखा धोखा खा सकती ने मुहम्मद तेरी जबान झूठ नहीं बोल सकती इतना यकीन है तो फरमाया थानू इन्ना ही यकीन है बगैर वेखन तो ही तुसी मान लो गे तो फिर मैं थानू एक गल कर लगा फिर तो तुसी मान ही लवोगे वह भी सच्ची जे उहदे च भी कोई झूठ नहीं जर्रा बराबर वह कहड़ी है फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू तमलकून अल अरब वल अजम मक्के वाले ओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लवो फला पा जाओगे अरबो अजम दे मालिक बन जाओगे जदो ला इलाहा दी आवाज उन्हां दे कन्नां दे नाल टकरांदी है इन्नहुम कानू इज़ा कीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून व यकूलून अइन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून कह लगे इस शायर दे आखे लग गए इस मजनू ते पागल दे माज अल्लाह आखे लग गए ऐ 360 छड दईए इहदे कल्ले नू मन लईए ऐ साडे सारे मिलके भी कुछ नहीं करदे ते इह कहिंदा मेरा कल्ला ही सारा कुछ करी जांदा बोलदे ने कदों गया जदों ला इला दी आवाज पई ते अज भी ना होंदे मैं सुनना सपिया मैं वो क्या ना डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतलक वो कह लगे लो जी सानू मुशरक आंदे ने मुशरक बित्ती आंदे ने हजे तक मैं किसी का ना नहीं लिया मैं किसी का ना नहीं लिया क्लिप मेरा मौजूद है दो तीन क्लिप ने मैं किसी का ना नहीं लिया कि मैं किसी नू मुखातब करके नाम लैके क्या हो मैं तो वैसे गल मैं क्या मुशरक जेड़ा है ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक दे जुत्ती दे तलवे ना जेड़ा गंद लगा होता उहदा भी मुकाबला नहीं कर सकता मुशरक वो मौलवी कल्पन डिया सी सानू मुशरक आंदे मैं कहे तो हिसाब होया शेखुल कुरान रहीमहुल्ला ने ना एक जगह दे तकरीर की थी तो उन्हें कहा बुढ़ा जानी जेड़ा ना कियामत नू बख्शिया नहीं जाना ते रब ने वेखना भी नहीं तो सवेरे एक बाबा डांग लैके मौलाना दी गड्डी दे कोल खलोता रात मौलवी ला ला के गल्लां करदा रहा गल नहीं समझ आई बी हूँ आप खुद दसन डे भी मुशरक ही है हजे तक आते ने कलमा गो मुशरक नहीं अं तो कलमा पढ़े सानू मुशरक क्यों आते मैं क्या जरा कलमा पढ़ के जनाह करे वह जानी नहीं बोलते नहीं यार कलमा पढ़ के चोर चोरी करता चोर नहीं कलमा पढ़ के जेड़ा इंसान शराब पींदा वह शराबी नहीं तो जेड़ा कलमा पढ़ के शिरक करे मुशरक बोलो तो सही ला इला दे आखन कारण होर इला ना कोई इल्ला दे आखन कारण एक सही की तोई मुहम्मद रसूलुल्लाह दे आखन कारण ते दिल दा कुफर गयोई कलमा पढ़ के कबरां पूजे ते बेड़ तेरा बेड़ा गरक बोल दे नहीं हुण तेरा बेड़ा गरक गयोई मेरे पैगंबर ने पहली ललकार जड़ी पाई है कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हुण अगो जवाब आया वकाल अल काफिरून हाजा
साहिरुन कज़्ज़ाब। माज़ अल्लाह कहन लगे तू ते जादूगर है, तू ते झूठा है। माज़ अल्लाह लिया बिल्ला कहन लगे तू पहलू की आंदे सन बोलो तो सही ना, पहलू की आंदे सन सादिक उल अमीन तू सच्चा है, तेरे वर्गा सच्चा कोई नहीं, हुण झूठा क्यों आखिया है? कोई रिश्ते दे लैन देन दा रौला है? नहीं बोलो नहीं। यार एक तो तू बोल दे नहीं, जे नहीं जे बोलना तो इन्ना लीला ही पड़ी जाओ, तो कुछ करो तो सही ने। नबी दे कोई रिश्ते दे लैन देन दा रौला है? नहीं। जमीन दा रौला है? नहीं। बोलो जर दा रौला है? नहीं। या वोटा दा रौला है, या नोटा दा रौला है, या कुर्सी दा रौला है, या सदारत दा रौला है? रौला की है। आजा अलल आलहता इलाहं वाहिदा, ये रौला जिथे पे है ना उथे लड़ाई हुई है। क्यों पा नाजर? इब्तदाज मैं उना उना छोटा ही हुंदा उदो पा नाजर ना आए दिन इथे भाई लड़ाई होनी, लोगों ने किसी ने मारना, किसी ने कुछ करना। ये ला इला जिन्ने भी कहे ना अज अलहमदुलिल्लाह वेखो ना जिहड़ा पौधा लगाया अज तानावर दरखत बन गया, अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा घर बन गया। मैं बड़ा राजी हुंदा जदों आउंदा अल्लाह ताला इस मस्जिद नूं इन्हां वास्ते जरिए निजात बनाए। जिन्ने भी दोस्त अहबाब नमाजी ने सब वास्ते इस मस्जिद नूं निजात दा सबब बनाए। बड़ी मेहनत तो बाद चमन में होता है दीदावर पैदा, सदा फूला रहे ये चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे के ये बूटे मैंने पाले। अल्लाह अकबर। तो नबी अली सलाम का की रौला है? रौला तो आज माशाल्लाह मियां मुती साहब तशरीफ लाए ने जी, की हाल है? ठीक हो? तो पहला है ना ऐलान कर छड़िया साडी, साडा ऐलान कर छड़िया 12 दा 11 दा भी, 11 दा भी 12। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा तकलीफ दुख की है, क्यों क्या झूठा? आजा अलल आलहता इलाहं वाहिदा, एक दी वजह तो। ये बड़ी अजीब गल है, आंदा 360 छड़ो तो मेरे एक नू मनो, आ इन्ने जिहड़े आ रखे ने ये किसे काम दे नहीं, आ जिहड़े पए ने इहदे एक नू मनीए। मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके कहो, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खखर हलाई, यहूदी हिसाई ईरानी तुरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई, बने सारे दुश्मन लहू दे तिहाए, फड़ो मारो मारो दुहाई दुहाई, ये साडे इलावां दा बेअदब जमे लई फिर इको खुदा दी खुदाई। इधर मेरे वाले देखो, मेरे वाले इस वास्ते मेरे थोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद उची कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों ये ललकार पांदे ने अपने बेगाने हो जांदे ने, यार अगयार हो जांदे ने, सज्जन भी दुश्मन बन जांदे ने, जदों ला इला दी आवाज उन्हां दे कन्नां च पैंदी है अल्लाहु अकबर कबीरा, ते फिर इन्हां ने कहा केले शाइरिन मजनून, माज़ अल्लाह तू ते शायर है मजनू है। अरशा तो आवाज आई, मेरे महबूबा जवाब तुसा नहीं देना, मैं देना है। हुण लगा जवाब आउण, इन्हां ने की किया? ले शाइरिन मजनून, उतो आवाज आउंदी है नून, इन्हां की किया सी मजनून, ले शाइरिन मजनून, ते रब की आंदे ने अल्लाह आंदे ने नून, वल कलमी वमा यस्तरून, मा अंत बिनिमत रब्बी का भी मजनून, व इन लका लाजरन गैरा ममनून, व इन कला अला खुलुकिन अजीम। नून सोने मेनू दुआ दी कसम,
रब नू हक हासिल है जिदी कसम चाहे मखलूक चो, पर मखलूक नू नहीं आवे आके मेनू बेबे अल्लाह रखी नहीं कसम है बोल दे नहीं हो, क्योंकि अल्लाह रखी का दी है ते फू टन टन है कदी ओनू आंदे ने उन्हें ट्रेन ही रोक छड़ी एक डाग ना ते ट्रेन रोक छड़ी ना ना अल्लाह अल्लाह कह रहे ने नून मेनू दुआ दी कसम है रब ने और भी कसमां चुकी ने वतीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन किते अल्लाह फरमांदे ने वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इजा तला वन नहारी इजा जल्ला वल लैल इजा यगशा वस्समाई वमा बना वल अर्ज़ वमा तो किते अल्लाह फरमाते ने ला उकसिमु बिहाज़ल बलद किते अल्लाह फरमाते ने ला उकसिमु बियौमिल क़ियामा किते अल्लाह फरमाते ने वज़ुहा वल्लैली इजा सजा किते अल्लाह फरमांदे ने यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन इथे अल्लाह दे ने नून सोनिया मेनू दुआ दी कसम है वल कलम मेनू कलम दी कसम है मुफ्ती साहब मा यस्तरून जेड़ी सत्रां बन के लिख दी है सुभान अल्लाह सोनिया ए आंदे ने तू मजनू है मा अंत बिने मत रब्बे का बे मजनून असा थानू मजनू आखिया भी नहीं ते मजनू लिखिया भी नहीं ते जेड़े पागल हुंदे ने मजनू महबूब जी उन्हां दियां नेकियां दे मुल पैंदे ही नहीं अजर इना देंगे जेदा कदी मुकेगा ही नहीं सुभान अल्लाह क्यों वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम क्योंकि तुसी खुलके अजीम दे मालक हो इत्थे कोई है रुमाल ही दे उते बनी है आइए जरा गौर कीजिए फरमाया खुलके अजीम दे खून अखलाक किन्ना आला है अखलाक किन्ना आला है पैगंबर दा आइए सब तो पहले पता करना चाहिए बंदे दी बीवी को भी अखलाक कैसा है वो बोलते नहीं पता करना चाहिए कि नहीं बोलते नहीं बीवी ना ज्यादा ने बंदे नू कोई नहीं ना जानता हाजी साहब नमाजी साहब चौरी साहब सदर साहब खजानची साहब घर च किवे ने नारायण तकबीर स्पीकर जरा ना वो गले नू जरा थोड़ा पिया बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला टना टने परेशान ना हो तवज्जो इधर मेरे हाल वेख मैं बात कर रहा सब तो पहले घर वालों नू कई बाबे बेचारे जेने ना साडे बुजुर्ग ने सफे अव्वल दे नमाजी हुंदे ने ते घर च गाल उथों कढ़दे ने जिथों किसे भी ना कढ़ी होए मैं पता गया प्रोग्राम करने वास्ते एक छोटी जी बच्ची आई कहन लगी जी पसरूरी साहब मेरी मामा कहिंदी है दादा अबू ना घर च गाल बड़ी कढ़दे ने इहदे मुतलक भी दस्या ही थोड़ा जी दादा अबू घर च गाल बड़ी कढ़दे ने हुण पुत्तर भी मजबूर होंदे ने अब्बे नूं आखीए की अब्बा जी जदों गालां दी फायरिंग खोलदे ने ना धीआं वेंदे ने ना नौआं वेंदे ने बई घर च अखलाक कैसे जरा गौर करो ना आओ अम्मा जी आयशा सिद्दीका कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां नूं पुछने आ अम्मा जी फरमांदियां ने पैगंबर ने पूरी जिंदगी किसे बीवी नूं झिड़किया भी नहीं ते किसे बीवी नूं चंड भी नहीं मारी ऐ जे सीरत ऐ एक किरदार जेड़ा बंदा अपनी बुढ़ी नूं मारदा ना उहदा पैगंबर दी सीरत ना कोई तअल्लुक नहीं
बोलते नहीं टिंगर वाली वाले हो इसका गिर तो आने वाले कई बंद बाहर जोर नहीं चढ़ता घर जनानी ते जोर चलाते घर बीबी नू मार देने बाहर किसे ना पंगा लिया तेनू पता लगे किस भाव विकदी है इनू काहे तो मारना है ते किसे दी बेटी नू मारना है जिहड़ी विआह के आंदी है घर भी किसे दी बेटी ते भैण है ते कल नू जदो तेरिया बेटिया होण गईआं उन्हां भी लोकां दे घरां च जाणा है कि नहीं ते जिस टोपे देंगा उस टोपे लैण वास्ते तैयार भी हो जा जदो तेरिया बेटिया ने लोगों के घर च जाना है उदो तू बुढ़ा हो जाना है तेरे बाजुआ की ताकत भी खत्म हो चुकी होएगी ते आज किसे दी धी नू मारेगा किसे दी धी ते जुलम करेगा ते उस टोपे तेन जैसा करोगे वैसा भरोगे लैना पैना मैं वेखिया कि एक सुसर ने अपनी नू नू एक चंड मारी ओदी बेटी नू अगले घर च 11 चंडा वजिया ये मैं अपनी अखा का हाल वेख्या हाल आंखों देखा हाल दस रहा पे दुनिया मकाफा ते अमल है इस वास्ते डर जाओ हजरत अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मेरे को एक ना कबीला बनू सवाद का बंदा है तो कहन लगा अम्मा जी को कड़ा जिहा वाकया सुनाओ हां अपनी जिंदगी का ते अम्मा जी फरमांदियां ने बह जा फिर अम्मा जी फरमांदियां ने मेरा दिल करदा सी आका मेरे हत्थां दी पक्की रोटी खाण ते उधरों हफ्सा दा दिल करदा सी मेरे हत्थां दी पक्की रोटी खाण ते अम्मा जी हफ्सा वर्गा नाश्ता पूरियां बीवियां चो कोई बनांदी नहीं सी सब तो ज्यादा पसंद सी नबी नू नाश्ता ते अम्मा हफ्सा दे हत्थां दा सी आप किसे बीवी दे घर भी हुंदे ना नाश्ता सवेरे मां जी हफ्सा ने भेजना हुंदा अम्मा जी फरमा ने हफ्सा कौन है नाश्ता घलन वाली अम्मा जी जलाल च आ गई है लौंडी नाश्ता लैके आई मां जी ने प्याला फड़ के भुआ के मारिया प्याला टुट गया ते नाश्ता डुल गया रुड़ गया तो हुण साडी बीवी एवे करे हां बोलते नहीं हुण इत्थे ते हांडी च मिर्चा बहुतिया पै जांदे अहीं गालां कढ़नियां शुरू कर देने बोलो रोटी टाइम ना ना मिले तेनू समझाया नहीं सी भी टाइम ना रोटी मैं इन्ने बजे खानी है बंदा पूछे भी तू न्यू खान दा टाइम है तेनू इन्ने बजे चाहिए रोटी बोल दे नहीं तू मिस्टर मिनिस्टर लगे कोई वादा घाटा हो गया घर के काम काज के विच हो जांदा कोई बड़ी गल नहीं अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने प्याला टुट गया नाश्ता रुड़ गया तो मैं बह के ना प्याले के टुकड़े कटे मैं क्या ऐशा हूं तेरी खैर नहीं तो नबी अली सलाम खलो के हसी जान डे ने अम्मा जी फरमांदियां ने मैं जो पैगंबर के चेहरे वाल वेख्या ना तो प्याले के टुटन ते नाश्ते के रुड़न का पता नबी के चेहरे की सलवट तो नहीं लग्या नबी की मुस्कुराहट तो लग्या प्याका ने कोई गल कही ऐशा टुटा प्याला हफ्सा का तू रखेगी तेरा सबूता प्याला हफ्सा दे घर जाएगा आया कि असी भी साडा भी घर चिवें का किरदार है बोलो है कई बंद रोटी हजम नहीं होंगी जब तक बुढ़ी ने कोई चार पांच गाला ना कर लैन मैं सही गल करना पाया आका फरमांदे ने खैरुकुम ले अहले ही थोड़े विचों बेहतर होए जेड़ा अपने अहल वास्ते बेहतर है अना खैरुकुम ले अहली मैं मुहम्मद भी अपने घर वालियां वास्ते बेहतर हाँ नबी दा कलमा पढ़िया है पैगंबर दी सीरत नूं अपनाना है सीरत दे जलसे कराने हैं सीरत सुनने भी हाँ लेकिन अमल क्यों नहीं करते अमल की बड़ी कमी है मेरे पैगंबर जे अपनिया बीवियां गाल नहीं करते तू भी ना कढ़िया कर जे अपनिया बीवियां मार दे नहीं तू भी ना मारिया कर ऐ ते सीरत है ना दूजे नंबर दे उते अगर नबी दे अखलाक दा बंदे दे अखलाक दा पता करना है तो उदे नौकर को करो खादम को करो है ना एक खादम भी नबी अली सलाम हजरत अनस रजी अल्लाह जो आका मदीने आए ना ते अनस दी मां उम्मे सुलैम मुफ्ती साहब किधर चले कठे ही जाना है हाँ
ماں ام سلیم حضرت انس چھوٹے جے بچے نے لے کے آ گئی. اوے حضرت انس نو انس دی ماں ام سلیم نے رب کولو منگ کے لیا سی اللہ مینو پتر دے تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی. منگ کے لیا اور جدو لے کے آئی ہاں کہنے گی اللہ رسول میں مریڑی جی بی بی ہاں اب میرے کو بچہ ہی ہے جے انو قبول کر لو تھوڑی خدمت کرے گا. 10 سال خدمت کی تھی حضرت انس نے. اور سن لو تو ہاں بھی ملازم رکھے نے اپنے ڈیریا تے رکھے نے پاٹھی رکھے نے فیکٹریاں چ رکھے نے لیکن نبی دا ایک خادم ہے نبی دی خدمت کردا ہے. 10 سال خدمت کی تھی 10 سال طویل برس انس پیغمبر علیہ السلام نو 10 سال چ کیسا پایا. حضرت انس آند نے 10 سال چ نبی نے کدی اف بھی نہیں آخیا. اوے انس کہہ کے نہیں بلایا. اوے انس پورا اوے 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 کر کے بھی نہیں بلایا. آدھے نے مٹی دا لوٹا سی او دے چ میں پانی لے کے آیا لوٹا اچانک ہتھوں چھٹا ٹوٹ گیا تے لوٹے دے ٹوٹن دا پتا نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا آقا دی مسکراہٹ تو لگیا. میں پیغمبر مسکرائے مینو پتا لگ گیا ہے میرے کو نقصان ہو گیا ہے. اے جے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پیغمبر دے صحابہ فرما دے نے کم تافو عن الخادم محبوب جی اگر ہے نوکر جڑے نے ساڈے کامے جڑے نے انہاں کو غلطی ہو جائے تو کنی دفعہ معاف کرنا چاہید ہے. آقا فرما دے نے اوفو کل یوم سبعین مرہ انہاں دے کولو 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے انہاں نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کرو. ایں تے کدی 7 دفعہ معاف نہیں کیتا. اگلے دن اسلام آباد نا انہاں نے ایک بچی مار چھڑی اس وجہ تو پنجرے دے وچوں توتا اڑ گیا. کتے پنجرے چ گھر نہ کوئی توتا رکھیا جی وہ کتے ایس طرح کھلیا پنجرا تو اڑ گیا. انہیں کیا تو پنجرے دا دروازہ کیوں معصوم بچی چھوٹی جی مار مار کے مار ہی چڑیا. اے حال ہے سارے پاکستان چ. میرے بھائی یہ بھی پوچھو نہیں ہے قیامت دے دن پوچھیا جانا ہے اگر سنگا والی بکری نے بغیر سنگا والی بکری نو ماریا ہوئے گا تو یاد رکھے آجے سنگا والی بکری کو لو بغیر سنگا والی نو قیامت دے دن رب دی عدالت چ بدلہ لے کے دیتا جائے گا. تو کی سمجھنا کہ میں آج بیوی نو مار لاں کسے بھائی تے رشتہ دار تے ظلم کر لاں تے میں بچ جاؤں گا. یہ نہیں ہونا. اتنے نماز کام نہیں ہونیا. یہ گل یاد رکھ لو بھی نماز چھڑا لے گی. اگر دنیا چ کسے دی زمین ایک گٹھ بھی نجائز قبضے چ لے کے مر گیا نا قیامت نو تیری تہجد تینو اللہ دی عدالت چو نہیں چھڑا سکے گی. اگر تھی دا حق مار کے بچیاں نو دے کے تر گیا بابا پھر بھی تینو تیری نماز نہیں چھڑا سکے گی. ساڈے پنڈا تھاوا چ عموماً کی ہوندا ہے بیٹیاں نو بالکل جائیداد تو آگ کر دیتا جاتا ہے ساری زمین چوک کے مڑیاں نو دتی جاتی ہے. ساڈے پنڈا دے وچ 80% ایسا مسئلہ ہے نہیں دیں دے زمین میں بیٹیاں نو. کیوں نہیں دیں دا بھائی تینو کی تکلیف ہے وجہ اج تیاں دا حق مار کے بیٹیاں نو دیں دیا قبر چ تو صاحب دینا تیرے بچیاں نہیں دینا. قیامت دا دن ہوئے گا اس زمین تے 7 توک جہنم دی اگ دے بنا کے تیرے گلے چ لڑکا دیتے جان گے. فکر کیجئے اگر دنیا دے اندر بیٹیاں دا حق مار کے تو بیٹیاں نو دے کے ٹر گئے ہیں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں تیری نماز تیرا روزہ تیرا حج تیرا عمرہ تیری تہجد تیریاں نیکیاں قیامت نو اللہ دی عدالت چو تینو چھڑا نہیں سکن گیاں کیونکہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر کے جا رہے ہیں. جیڑا حصہ تیری بیٹی دا قرآن چلا نے مقرر کیتا ہے تو کونے اس حصے نو ختم کرن والا. قرآن دے رہے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تیرے بچیاں نو ڈبل دیتا ہے تیری تھی نو ایک دیتا ہے.
तू उन्होंने डबल दे के भी अगर वो तेरे राजी नहीं ना तो फिर तेरी बेटी का भी लैके राजी नहीं हो। इधर चीचा वतनी वाले चक सी प्यो ने अपने पुत्रा नु सारी जमीन दे मुड़ के वेख्या ना अबे की सारी जमीन लग अबा बीमार है मारी लत प्यो नु घरों बार तो फिर रुलदा रुलदा कि गया धी के दरवाजे से। जिस बेटी का हक मार के पुत्रा नु दिता सी ना फिर वो घर के अंदर प्यो नु मौत आउंदी है उस बेटी ने उस बाप नु संभालिया है। एक वाकया नहीं हजारा वाकयात ने ते याद रख अज दुनिया च जुलम करके चला जाएगा कियामत नु रब दी अदालत चो छुटकारा नहीं होना। इस वास्ते मेरे पैगंबर ने फरमाया लोगो ये जुलम ना करो अपने ना भी अच्छा वर्ताओ करो अपने रिश्तेदार ना भी अच्छा वर्ताओ करो ते सिला रहमिया करया करो रिश्तेदारियां नु जोड़िया करो तोड़िया ना करो। मेरे पैगंबर ने रिश्तेदारी नु जोड़िया तोड़िया नहीं अपनी जात का बदला किसे कोलो नहीं लिया अपनी जात ते जड़े जुलम कीते ने ते मक्का फता हुंदा है ते आका फरमाउंदे ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत्तलाका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। मक्के वालियो जिवें यूसुफ ने भरावां नु माफ कीता सी जाओ मैं मुहम्मद ने थानू माफ कर छड़िया है। वो जिहड़ा 2000 सी ना जिन्हों कैदी बना के आंदा हरम दे सेन च सियाबाद जो मक्के दाखिल हो रहे ने ना एक सियाबी ने कहा ना यौम यौमुल मलहमा अज काफर ने गोशत करन दा देने भाई अज इन्हां को गिन गिन के बदले लैने ने अज इन्हां नू माफ नहीं करना। ते आका दे कन च आवाज पई ते नबी अली सलाम ने असरा कंधे ते हथ रख के कहा अल यौम यौमुल मरहमा अज ते रहम करन दा देने अज इन्हां दे गोशत करन दा दिन नहीं। ते मेरे पैगंबर ने सियाबा नू मक्के तो बाहर ही खिलार लिया ओ मेरे सियाबियो जेड़ा अगे लग के दौड़ पे उन्हूं कुछ नहीं कहना जेड़ा हरम चा जाए कुछ नहीं कहना जेड़ा अपने घर वर जाए कुछ नहीं कहना जेड़ा हकीम बिन हजाम दे घर चला जाए कुछ नहीं कहना जेड़ा अबू सुफियान दे घर तुर जाए कुछ नहीं कहना बीबियां नू कुछ नहीं कहना बच्चियां नू कुछ नहीं कहना बाबियां नू कुछ नहीं कहना बीमारां नू कुछ नहीं कहना मजदूरां नू कुछ नहीं कहना। हजरत उमर कोल ही खलोते सन कह लगे जी फिर सीधी तरह कह दो किसी नू भी कुछ नहीं कहना बाकी रह किहड़ा गया जी। उहदे बावजूद 2000 कैदी बना के लैंदे ने ते आका फरमाते ने जिथे अज बैतुल्ला का दरवाजा ना उदो भी इत्थे ही सी। आका फरमाते ने मक्के वाले हो तुसा मेरे गल च कपड़े पा के वट दिते मैनू वह भी याद है तुसा मेरे ते ओजरियां रखियां मैनू वह भी याद है तुसा मेरिया जवान बेटिया नू तलाकां दित्तियां मैनू वह भी याद है तुसा मेरे बिलाल दियां लत्तां च रस्से पा के मक्के दियां गलियां च खिचिया मैनू वह भी याद है तुसा मेरी जुनैरा दियां अखां दे अंदर गर्म सलाइयां करके फेर दित्तियां अज भी इन्हां मक्के दियां दीवारां दे विचों मैनूं जुनैरा दियां चीखां सुनाई दे रहियां ने मेरी सुबैया नूं दूठा ना बन के जिस्म दो टुकड़े कर दिता मैनूं ओह वी याद है तुसा मक्के दे अंदर शेबे अबी तालब दी जेल दे अंदर मैनूं 2.5 साल तक कैद रखिया बीवी बच्चियां समेत मैनूं खाण पीण वास्ते तुसीं कुछ ना दिता मैं दरख्तां दे पत्ते खा खा के गुजारा करदा रहा मैनूं ओह वी याद है। दसो मैं तुहाडे नाल सलूक की करां ते अगो जवाब आउंदा है तू भी करीम है तेरा बाप भी बड़ा ही करीम सी अंतुम तुलका उला तसरीबा अलैकुमुल यौम। मक्के वालियो जिवें यूसुफ ने माफ कीता सी अपने भरावां नू मैं मुहम्मद ने थानू माफ कर छड़िया है। ते जिहड़ा 2000 सामने खड़ा ना आंदा वाना शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वना शहादु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। ये 2000 ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो आका ना
बैतुल्ला के दरवाजे तो लग के ना थले बह गए नाल नाल टेक लाइए तो नबी अली सलाम बैठे इधरों ना सहाबी एक कैदी लैके आए ये पता कौन है ये वाशी बिन हरब है जिन्हें नबी के चाचे अमीरे हमजा शहीद किया आका ने ऐलान किया ना वाशी जिथे मिले दी गर्दन ला दो लेकिन जो आया ना तो नबी अली सलाम उठ के बह गए तो आका फरमा देने वाशी कलमा मैं तेन पढ़ा देना चल मैं अज मेरे चाचे अमीरे हमजा की दास्तान ने शहादत सुना वाशी ने हजरत अमीरे हमजा की शहादत शुरू की थी ते मेरे नबी दिया हिचकियां बज जांदियां ने आका दी रो रो के दाड़ी तर हो जांदी है आका फरमांदे ने वाशी मैं कलमा पढ़ा देना वा लेकिन मेरी अखां दे सामने ना ही जदों आएगा मैनू चाचा मीरे हमजा याद आएगा पता जी ये वाशी फिर जदों कलमा पढ़ के मुसलमान होया पैगंबर दियां अखां दे सामने नहीं सी लांबे लांबे रहिंदा हुंदा सी नबी ने माव एक होर कही दी आया एक कौन है हिबार बिन अस्वद जिन्हें पैगंबर की बेटी जैनब नू नेजा मारिया सी ते धीआं दे दुख ते नहीं ना बर्दाश्त होंदे बोलते नहीं बेटी दुखी होए ते मापे गलियां दे कख बन जांदे बेटी नू नेजा मारिया बच्चा साकत हो गया उन्हां दिनां च हजरत बीबी जैनब हामला सन ते बच्चा साकत हो गया ते सहाबा ने बन के ना पेट तेनू मस्से नबी च जाके हुजराए मां आयशा च लटाया ते नबी ने अपनी बेटी नू जदों लत पत खून च वेख्या ते पैगंबर दियां डीकां निकल गईयां फरमाया मक्के वालेओ धीआं ते सारिआं दियां सांझियां ही हुंदियां ने बेटियां ते सारिआं दियां सांझियां हुंदियां ने मैं तुहाडे नाल जुलम ते कोनी सी कीता तुसां मेरी बेटी ते इतना बड़ा जुलम कर दिता है आका फरमाते ने हिबार बैतुल्ला दे गुलाब दे विच छुपिया भी नजर आए तो उन्हें माफ नहीं करना ते नबी अली सलाम ने जदों ऐलान किया दो सहाबी इन्हू मारन वास्ते मक्के नू तुर पे ने इन्हू पता लग गया हिबार छुपता छुपता मदीने आ गया मसे नबी का कच्चा सेने सहाबा बैठे ने ते आके सलाम लेंदे बह गया हाँ भाई कौन है कितों आया है जी मैं थोड़ी बेटी का कातल आ हिबार हुण वेखो पैगंबर दी अखां चो आंसू ते हजरत उमर ने ना इस तरह करके तलवार म्यान चो कढ़ी आ फरमांदे ने उमर रुक जाए इन्हें कुछ नहीं कहना हुण साडे घर चल के आ गया फरमाया हिबार जा मैं तैनूं अपनी बेटी का जुलम माफ कर छड़िया अज असीं ते निक्कियां निक्कियां गल्लां तो अपने भरा छड्ड के बैठे हाँ ना रिश्ते दे लैण देण तो गिठ गिठ जमीन तो भरा मार छड़ने आ बोलदे ने मार दिओ कि नहीं रिश्ता लैन देन तो तनाजे पे ने चल तू मेरे वास्ते मर गया मैं तेरे वास्ते मर गया कता तलकी जड़ी है कबीरा गुनाह है सिला रहमी किनू कहिंदे ने तेरा भरा तेरे नाल बुरा सलूक करदा तू चंगा कर तेरी भैन तेरे नाल बुरा सलूक करदी चंगा कर वो तेरे नाल मंदा बोलदे ने तू चंगा बोल ए ही सिला रहमी ते जे तू आखे उन्हें एक गाल कढ़ी है मैं अगो दस ना कढ़ा मैं कणक दी रोटी नहीं खांदा नबी अली सलाम दी हदीस सुनो जिहड़ा एक साल तक अपने भाई भैन रिश्तेदार ना नाराज रहिंदा अल्लाह उहदे नामा अमाल दे अंदर एक कतल दा गुनाह दर्ज कर देंदे ने और एक कता तलकी कबीरा गुनाह है तुहानूं पता नहीं हर सवार जुमेरात नूं बंदे दे अमाल पेश हुंदे बोलदे नहीं बंदे दे अमाल पेश हुंदे अल्लाह दी सवार और नबी ने सवार जुमेरात दा रोज़ा नहीं छड्डिया क्यों कि मेरे अमाल पेश हो मैं रोजे की हालत हो अज भी अरब च कसरत कसीर तादाद के अंदर जेडे अरबी ने रोजा रखते जिस जेड़ा बंदा अपने भाई ना नाराज है भैन ना नाराज है रिश्तेदार ना नाराज है दोवां बंदियां जिन्हां दे दिलां च बुगज है अल्लाह दे ने इन्हां दियां नमाजां दा ढेर उत्थे परां ला दिओ इन्हां दियां नेकियां दा ढेर उस वक्त तक मैं नेकी इन्हां दी कोई कबूल करनी नहीं जब तक इन्हां ने सुलह नहीं करनी
लैलतुल कदर दी रात रब आंदे ने मैं सारे बख्श देना पर कता तलकी करने वाले लैलतुल कदर दी रात भी माफ नहीं करता। बड़ा गौर करो ये जलसिया में कराने का मकसद है, पैसे लाने का मकसद की है कि मेरी और थोड़ी सलाह हो जाए। पैगंबर की सीरत वाल वेखो किन्हां नूं माफ किया है जिन्हां ने कभी सुख का साह ही नहीं लैन दिता। बेटी के कातल नूं माफ किया है, हिवार बिन असवद नूं भी माफ कर दिता है। फतह मक्का के मौके पर इन्हें कलमा पढ़िया है, बाद कहते हैं फतह मक्का तो बाद कलमा पढ़ के मुसलमान होया। तो जिहड़ा वाशी उन्हें अपना किवें कर्जा चुकाया, जो जंगे यमामा हुई है ना मुसैलमा कज़ाब ना, जिस एक जंग च 1200 सहाबी शहीद होया, पूरी जंगा च 800 सहाबी शहीद होया। वो जरा मुसैलमा कज़ाब सी उच्चे जे चबूतरे ते बैठा सी, ते ऐसरा सुराख सी जिदे विचों सारा कुछ वो वेख रहा सी, ते एदा निशाना बड़ा सी वाशी दा। इन्हें उत्थों तीर मारिया सुराख दे विचों निकल के मुसैलमा दी इस अख दे विच लगा, अख च लग के पिछों पार हो गया। ते जदों इहनूं पता लग गया मुसैलमा मर गया ते आसमान नूं ध्यान करके ना वाशी कहिंदा अल्लाह मैं अमीरे हमजा नबी दे चाचे दा अज कर्जा जुगा दिता है। मेरे भाई नबी दी पूरी जिंदगी बड़ी पुरकठन है। मक्के चो निकले हुनैन वल पहुंचे, फेरा वजिया, हुनैन छड़ के काफर नस गए। इत्थे कैदी बनाई है पैगंबर ने अपनी रजाई मां हलीमा ते रजाई भैन शीमा दुआ नूं कैदी बना लिया। ये कैदी जो सारे बने ना चे भी कैदी हो गया आ गई ते आंदियां ने नबी दे सिपाहियो तुहाडा नबी किथे वे। ते ओ जिहड़ा माल सी हुनैन च माले गनीमत दा, ओ जिहड़े नवे मुसलमान होए ने 2000 उहनां नूं नबी पाक ने दे छड़िया। ते सहाबा विच ना जिहड़े यंग ब्लड सन अंसारी ते नौजवान, हजरत इमामे बुखारी ने बाब ने वह कह लै मरण नूं असी नाल, भुखा कट्टण नूं असी नाल। नबी ने माल मालिक नहीं मिलता पहलू अपने पिछलिया नूं दे छड़िया, बोलते नहीं गल्लां ने फिर कर। जबरील ने आके दसिया सोनिया तेरे अपने भी गल्लां करन डे, आपने सारे नूं इकट्ठा किया, आपने फरमाया तुसी कंगाल सो मेरी वजह तो अल्लाह ने थोनू गनी किया है, तुसी गुमराह सो मेरी वजह तो अल्लाह ने थोनू हदायत दी है, तुसी आपस च दुश्मन सो मेरी वजह तो अल्लाह ने थोड़े दिलों में प्यार पाया। ते नाल आका फरमाते हैं हुण मैनू आखो जो तू मदीने आया तेनू रहन वास्ते थां को नहीं देंदा, रहन वास्ते थां दी। नबी अली सलाम फरमाते ने बोलते नहीं, सहाबांदे ने महबूब जी बोलन जोगा छड़िया ही नहीं जे। ते आका फरमाते ने अला तर जोन क्या राजी नहीं, मक्के वाले मालो मनाल लै जान तुसी आमिना दा लाल लै जाओ, 100 वार असी हां राजी ते करिए शुक्र रबाना, साड़ी वंड मुहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साड़ी वंड मुहम्मद आए सरवर दुआ जहाना, लोग करानू लेकर जावन दुनिया दा माल खजाना, असी करानू लेकर जाइए हसन हुसैन दा नाना, लोग करानू लेकर जावन उठ बकरियां गाई, असी करानू लेकर जाइए हौजे कौसर दा साई, लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी ओड़क नू मुक जावे, साड़ी दौलत पाक मुहम्मद जो अल्लाह नाल मिलावे। हुनैन दा मैदान सजिया, नबी अली सलाम अपने खैमे च बैठे ने, ये दो बीबियां ने एक मां शीमा ते एक मां मां हलीमा ते भैन शीमा, आंदियां ने नबी दे सिपाहियो थोड़ा जरनैल किथे वे, किथे वे थोड़ा जरनैल। कह लगे अम्मा तू की कहना है, फरमाया करी मिलाओ तो सही अखा चखा मिल गया सारे राज ही खुल जाने। ते दूर खैमा लगे नबी अली सलाम ते लैके गए ना, तो अज भैन की मुलाकात अपने वीर ना 55 साल बाद लगी है। किन्ने साल बाद?
ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਨਾ ਤੇ ਆਖਰ 55 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਵੇ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀਰਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਸਨ ਦੂਰ ਡਰਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਨੁਮਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਉਚੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਮਰਨ ਜਿਉਂ ਨਾ ਕਈ ਏਡੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਾਈਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਵੜੀ ਅਜੇ ਲੈਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਈ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ 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 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੱਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਲ ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਭੈਣ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰਾ ਤੇ ਆਲਮ ਦਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਵਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਮਾ ਐ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਖੜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜਗਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ ਐ ਸਿਹਾਬਾ ਤੇਰੇ ਆ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਈ ਕੁਨਬਾ ਕਬੀਲਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਛਮ ਛਮ ਰੋ ਪਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ ਐ ਵੇਖਣਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕੀ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਯਾ ਅਯੂ ਹਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਯਾ ਅਯੂ ਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਇਲਾਹੀ ਹੇਠ ਵਛਾਈ ਸ਼ੀਮਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਦਬਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਕ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਵਛਾਈ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਟੋਰ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਮਾ ਜੋ ਰਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਖਡਾਉਂਦੀ
ए जे मेरी मां हलीमा जो रही है दुध पलांदी, हुक्म दिता सहाबा ताई रब दे रसूल प्यारे, अदबो एहतरामो ऐशी मां हलीमा दे पारों ऐ छड़ दे ओ कई दी सारे। जद हजरत ने कई दिया ताई अपना हुक्म सुनाया, पैद शीमा दे कई दिया सुन के कलमा बोल सुनाया। 6000 ही पढ़ लेंदा वाना शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, 2000 मक्के वालिया भी पढ़िया, 6000 8000 ने कलमा पढ़िया, क्यों? नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मा अंत बिने मते रब्बी कभी मजनून, व इन्न लकला अजरन गैरा ममनून, व इन्न कला अला खुलो के नाजी। अगर मैं एक वाकया बयान ना करा तो फिर मजमून अधूरा रहेगा। सुमामा बिन असाल बोल दे रहे, पता है सुमामा दा मस्जिद दे थमे ना ले आगे बने हैं, क्यों भाई नाजर कैसे आप बांधे ना लार सुनो, सुमामा बिन असाल ये मामा दा गवर्नर आया, आका आए आकड़ी गर्दन चौड़ा सीना वजाहत रोब दबदबा तंतनाहत जिन्ने आप सारे ही पाए जाते हैं हुक्मरानी। मामा की हाल है? अंदर बन के पूछ दो की हाल है, छड़ के पूछो की हाल है। फरमाया क्या तो कुछ नहीं, अल्लाह रसूल क्या कुछ नहीं लिया के थम नहीं बने हैं, मारिया शारिया नहीं, फरमाया दी रोटी मैं मुहम्मद के घर में आई, किनिया रोटियां आई हैं? 7 सवेरे 7 दोपहर 7 शाम, 21 रोटियां 3 गर्वियां दुध, अजे मुशरक बदा सी बदे ने की खादिया ने सियाबा ने बड़ा सही खुराक है। दूजे दिन आका आए फरमाया सुमामा नजर आ, नजर उठा के वेख तो सही, कहते कुछ नहीं आता, जा कम कर नहीं देता, सब तो बदतरीन चेहरा तेरा चेहरा, बदतरीन बस्ती तेरी बस्ती, माशाल्लाह ले याद हाय हाय हाय। एक गल सुन के जिबरील भी गया तो गजब चा गया हो, लेकिन हमेशा मुस्कुराने वाला मुस्कुराया, हाय हाय कोई गल नहीं। तीजे दिन फिर आए सुमामा की ख्याल है? आंदा इन तक तुल ज्यादा मिन व इन तुनिम तुनिम ला मुना मिन, कतल करेगा पीछे बदला लैन आले बड़े ने। मैं क्या सुमामा तू नजर उठा के वेखे ही नहीं, जे वेख लैंदा तो यह गल ना कहिंदा, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिनू वेख्या चन शर्मावे, जे ओ जावे सैर करन नू सारा फलक सजाया जावे, जे ओ रखे कदम जमीते ते धरती खुश हो जावे, वावा सोना हुसन माहीदा जिदी चाल न चली जावे। तीजे दिन धमकी लाई ना हजरत उमर का तलवार दे दस्ते ते हाथ कंब रहा है, अखा सुरख ने लब फड़ फड़ा रहे, मेरे सामने धमकी ला, मैं नहीं उमरे नु कुछ नहीं कहना, वड्डा आदमी है वड्डा चौधरी। तीसरे रोज सरवर बैंदे आकोल ने किवें सुमामा तेरे कौड़े जे बोल ने, उतांते वेख कीतियां अखी अंबोल ने, ए शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी
ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਏ ਸੁਣਾ ਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਨਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਥੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਡਾ ਯਕੀਨਾ ਏ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਜਾ ਸਾੜਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹਦੀ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੱਸੀ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਜੁੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੁਮਾਮਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੇਖੇ ਪਰ ਏਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੁੜਾਵਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਮਾਵਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਖਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਰਮੀ ਵਖਾਵਦਾ ਇਹ ਖੁਲਕ ਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਵਾਪਸ ਪਲਟਿਆ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਵਾਪਸ ਹੈ ਮਸੇ ਨੱਬੀ ਦੇ ਗੇਟ ਚ ਖੜਾ ਤੇ ਆਕਾ ਮਸੇ ਨੱਬੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸੇਨ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਸੁਮਾਮਾ ਖੜਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਮਾਮਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸੁਮਾਮਾ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਕਿਆ ਸੀਰੀ ਹੈ ਕਿਆ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਮੁਰੀਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਮੰਨਾ ਸੱਚੀ ਤੋਹੀਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਈਦ ਜੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜੈਸ਼ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆਓ ਰੋਟੀ ਵੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਗੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਪਤਾ ਜੀ 18 ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਖਾਧੀਆਂ ਸਿਆਬਾਂ ਦੇ ਨਲਰ ਜੋ ਕਿੱਥੇ 7 ਕਿੱਥੇ 1 ਫਰਮਾ ਸਭ ਅਤੂ ਅਮਵਾ ਇਨ ਮੁਸ਼ਰਕ 7 ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਆਹਿਦ ਇੱਕ ਚ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਆਹਿਦ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਕ 7 ਚ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਹੋਈ ਇਮਾਮਾ ਇਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕੈਦ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਫਰ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਅਜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚੌਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੁਛ 6-7 ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਮਾਮਾ 'ਚ ਸੁਮਾਮਾ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਆ ਸੁਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰਮਟ ਮਦੀਨਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਣਕ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਬਈ ਚੌਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਰੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਮਦੀਨੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਬਣਾ ਬੜੇ ਸਨ ਅਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਛੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾਦ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਦਿੰਦੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਰੋਵਣ ਤਮਾਮ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਵੱਲ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਜੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆਕਾ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਤਰ ਹੋ ਗਈ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸੁਮਾਮਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੁਮਾਮਾ ਹਰਮ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਪਾਸ ਕਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕਾਫਰ ਪਰ ਦਾਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਰਮ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਪਾਸ ਕਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕਾਫਰ ਪਰ ਇਹ ਦਾਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਡਾਡੇ
भुख ने ओलेरे ने चंगी ए आदत नीओ बहुता गुस्सा नेक अबरार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। चिट्ठी पहुंची चुमद मथे ते लांदा अगे मन कणक जांदी हुण दो मन शुरू हो गई शाह अबरार दी चिट्ठी आ गई। लेकिन इतने चिट्ठिया क्यों आईया वाई इन्ना कलाला खोलो के नाजीन अल्लाह अमल दी तौफीक दे और सानू कामिल मुकम्मल नबी दी सीरत ना प्यार करने दी तौफीक अता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकु तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिल मुसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هذه بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقم। اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جن دکھی لاچار نے دکھ دور فرما سارے بھائی ناظر دے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا میرے امی ابو چاچو دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنا मेरी अहलिया की कबर ते अल्लाह करोड़ा अरबा खरबा रहमता नाजल फरमा। अल्लाह मेरे भाई अब्दुल हफीज साकब और भाई शबाज की कबर ते करोड़ा रहमता नाजल फरमा। अल्लाह जिन्हा जिन्हा दे जो जो लवाहकीन फौत हो गए अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। मुफ्ती कफैतुल्ला शाकर साहब के वालदैन दिया कबरां ते भी अल्लाह करोड़ा अरबा खरबा रहमता नाजल फरमा। जिन्हा जिन्हा दे वालदैन इस मजमे च फौत हो गए मेरिया मावा बहना बेटिया के वालदैन जिन्हों के फौत हो गए अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। जो जो साडे अजीजो अकारब दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्होंने बख्शिश फरमा। अल्लाह साडे हालात ते रहम फरमा साडे गुनाहों नूं दरगुजर फरमा साडियां नेक तमन्ना आरजुआं पूरियां फरमा। मेरे अल्लाह जो सुनया सुनाया अमल की तौफीक अता फरमा। भाई मुर्जा की वालदा बीमार ने दुआ करो अल्लाह उन्होंने शिफा अता फरमा। इंशाल्लाह रत्ते जठौल इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख का जिहड़ा खुतबा जुमा है मेरा बेटा अतीकुर रहमान पढ़ाएगा और 12 नूं इंशाअल्लाह रात कॉन्फ्रेंस से सारे साथी कोशिश करिया जे उत्थे भी पहुंचो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडे सारिआं दा आना कबूल फरमाए तुहाडियां कुल्ली यानी कि बीमारियां नूं अल्लाह दूर फरमाए कुल्ली परेशानियां नूं दूर फरमाए। उची कह दो आमीन। मुफ्ती साहब नूं अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मियां मुती साहब की जवानी इल्म अमल चला बरकत नाजल फरमाए। जिन्हें भी मेरे बुजुर्ग दोस्त अहबाब बच्चे मावा बहना बेटियां आई अल्लाह सब नूं दुनिया आखरत दी नेमतां नाल मालामाल फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह शिरको बिदात का कला कमा फरमा तौहीद सुन्नत का आलम बुलंद फरमा। रबना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين।